कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। इस दिव्य कथा के श्रवण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्षदायिनी भागवत कथा को जिसने भी सुना है सभी को मोक्ष प्राप्ति के योग बने हैं, चाहे वह मनुष्य जीवन हो अथवा कोई जीव जंतु हो, पशु पक्षी। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी जीवात्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी ही एक भागवत कथा का आयोजन रामगढ़ शहर जोहरी परिवार की ओर से ओम प्रकाश जोहरी द्वारा वार्ड नंबर 20 में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लक्ष्मीकांत दादीज महाराज द्वारा कथा सुनाई जा रही है। कथा के पहले दिन बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल से लेकर आसपास के क्षेत्रों में भक्ति का सा माहौल बना रहा। यहां कथा 1 से 7 जून तक श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से चलेगी। हर दिन सुबह 9 बजे एक नया भक्ति कार्यक्रम होगा, जिसमें नानी बाईको मायरो बिसाऊ टीम द्वारा ढप सावित्री मानस चरित्र नंदोत्सव गुगाजी जागरण सम्मिलित है। इस भक्ति में कार्यक्रम को स्थानीय श्रद्धालुओं में लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।